पता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ एक हद से ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, हर हर महादेव सभी को, हर हर महादेव। तो आज है सावन का आखिरी सोमवार। दोस्तों आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे लाइव में। तो आप सभी लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और आप लोग व्रत रखते हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करिएगा। और आज आखिरी सोमवार है तो मैं आज कोई वीडियो नहीं शूट करी, और वीडियो पड़ा है एडिट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आज व्रत था और कुछ काम भी थे। दोस्तों बारिश बहुत हो रही है लखनऊ में, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे अब मेरे ब्लॉग वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है। बिना आशीर्वाद के हम कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग बताइए, अगर आप लोग हमें इतना इग्नोर करेंगे तो मुझे कैसे प्यार मिलेगा बताइए। 4 साल से ज्यादा हो गया, और कितना साल में मेहनत करूं बताइए ना, मेरा मनोबल टूट रहा है अब। प्लीज दोस्तों आप लोग प्लीज मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरा को सपोर्ट करिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। प्लीज दोस्तों प्लीज, आप लोगों का आशीर्वाद मेरी ताकत है, अदरवाइज फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। प्लीज दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट किया करिए, आप लोगों का कमेंट नहीं आता, व्यूज आता है तो कमेंट नहीं आता, जानते हैं 24 घंटे भी हो जाते हैं 20 व्यूज, 10 व्यूज, 5 व्यूज ऐसे आते हैं मेरे लॉन्ग वीडियो पे, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसी वजह से एडिटिंग नहीं कर पाई, इसी वजह से मेरे जो ब्लॉग वीडियो है, जो लॉन्ग वीडियो है, उनकी इम्प्रेशन डाउन हो गई है, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे ब्लॉग वीडियो जैसे ही आप लोगों के आंखों के नीचे, जैसे ही फोन में आए, प्लीज जरूर देखिए। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, एक 7 साल की बेटी है, एक 3.5 से 4 साल के करीब बेटी है, तो दोनों का काम भी रहता है घर में, हस्बैंड भी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतों का सामने के बाद हम ब्लॉग वीडियो भी बनाते हैं, अपने घर के काम भी करते हैं, अपना लंच कुकिंग भी शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आती होंगी। मैंने लाइव में भी समोसे बनाए थे, और 2 बार मैं लाइव में समोसे बना चुकी हूँ, आप लोग को उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। तो ब्लॉग वीडियो जरूर देखिए प्लीज, इतनी सी मेरी विनती है, सीधी बात की मतलब मेरा ब्लॉग वीडियो पे आप लोग प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लाइव से बिल्कुल अलविदा कहने वाली हूँ, लाइव आना मेरी मजबूरी थी दोस्तों, लाइव आना नहीं चाहती हूँ दोस्तों, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं यही विनती करने आई हूँ कि लाइव में क्यों नहीं आना चाहती, लाइव बहुत गंदी गंदी चल रही है, लाइव में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, लोग गंदे कमेंट अगर एक भी कर देते हैं मेरा मनोबल डाउन हो जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। आज 3-4 दिनों से मैं बिल्कुल भी लाइव नहीं आना चाहती, लेकिन मैं मजबूरी में आ रही हूँ दोस्तों, क्योंकि चैनल को बहुत टाइम हो गया, अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा, मेरे ब्लॉग वीडियो पे प्यार नहीं मिलेगा, तो सच में मैं क्या करूँगी बताइए, और मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ, मतलब मैं सोशल मीडिया से बाय बाय भी नहीं कर सकती हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज दोस्तों प्लीज प्लीज मेरे चैनल को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद मेरी ताकत है और कुछ नहीं, इतने सारे गंदे चैनलों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्लीज इस बहन का भी सपोर्ट करिए ना, उम्मीद करते हैं आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा ये पता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ एक हद से ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग शेयर करिए। इसी उम्मीद के साथ चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं, आप सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, शिव जी आप सभी को बहुत खुश रखे, और हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की कृपा बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ चलिए इस ब्लॉग वीडियो को एंड करते हैं, शाम का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ, मेरा व्रत है तो मैं जा रही थी खाना बनाने, तो खाना में मैं बनाऊंगी सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ और आलू टमाटर की सब्जी व्रत वाली। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि तैयारियाँ मेरी हो गई दोस्तों, देखिए मैंने आलू कट कर लिए, टमाटर हरी मिर्च रखी है दोस्तों, और ये देखिए मैंने बनाया गरम मसाला, अभी मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं सारे गरम मसालों को हल्का सा रोस्ट करती हूँ और घर में बनाती हूँ। इसकी रेसिपी आप लोगों के
चैनल में मैंने पढ़ी है, आप लोग जरूर देखिए मैं गरम मसाला कैसे बनाती हूँ। मैं एक मसाले वाला नमक भी बनाती हूँ दोस्तों, जो कि पहाड़ी लोग बनाते हैं ना, उसी टाइप में मैं बनाती हूँ विदाउट लहसुन। वो लोग लहसुन खाते हैं, हम लहसुन नहीं खाते। तो देखिए दोस्तों मैंने बना लिया है मसाला, इसको डब्बे में करके रख दूंगी। और मैं मार्केट का मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, छोले मसाले, गोल्डी के छोले मसाले मुझे बहुत पसंद है, उसमें लहसुन नहीं होता। वो मैं गरम मसाला भी उसका बहुत अच्छा होता है, गोल्डी का गरम मसाला जो लेंगे आप उसमें जीरा और काली मिर्च होगा, बाकी कोई मसाले मुझे पसंद नहीं है। और कस्तूरी मेथी मुझे बहुत फेवरेट है, अगर धनिया नहीं भी है कस्तूरी मेथी होनी चाहिए ऑलवेज। और यही सब मसाले मैं यूज़ करती हूँ, अपने सिंपल सा खाना बनाती हूँ, सादा शुद्ध देसी खाना मेरे को बहुत पसंद है। होटल का खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन आप बच्चों की वजह से और हस्बैंड की वजह से, पति देव की वजह से कभी कभी खाना तो पड़ता ही है। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मैं थक जाती हूँ तो भी बाजार का मंगाती हूँ, अदरवाइज मैं सारी रेसिपीज खुद बनाती हूँ। आप लोग खुद जाकर देखिए, जाके चेकआउट करिए, हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, वीडियो देखिए, इंजॉय करिए, उससे नॉलेज भी मिलेगी। मुझे पता है हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बोर नहीं होते हैं मेरे वीडियो से। तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग वीडियो को शेयर करिए ना, आप लोग इस बहन को शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे ब्लॉग वीडियो को आप लोग शेयर करिए। मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आपको अगर इतना सा भी पसंद आए, मेरी मेहनत इतनी सी भी दिख रही हो